विश्व क्षय रोग दिवस पर शुक्रवार को हापुड़ में स्वास्थ्य कर्मियों ने एक रैली निकालकर नागरिकों को संदेश दिया कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रैली का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली हापुड़ के गढ़ रोड पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू हुई और नगर के मोहल्लों का भ्रमण कर समाप्त हो गई। रैली का उद्देश्य नागरिकों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करना है। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री, क्षय रोग अधिकारी राजेश कुमार आदि भी उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि 24 मार्च 1982 को टीबी के जीवाणु की खोज हुई थी। तभी से हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। टीबी रोग का उन्मूलन जागरूकता से ही संभव है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी रोग मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं और स्कूल, कॉलेजों और मदरसों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 24 तारीख में विश्व टीबी दिवस है। इसी दिन टीबी का जो जीवाणु है इसकी खोज हुई थी, रोबोटस्कोप ने की थी, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी 24 तारीख में। तो उसी उपलक्ष में 24 तारीख को हर वर्ष विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। हमें मदरसे, स्कूलों में लोग, बच्चों को जागरूक करना था, क्योंकि बच्चे ही हमारे समाज में पूरा फैलाते हैं, बताते हैं कि भाई टीबी से कैसे बचाव हो, अगर टीबी हो जाए तो उसकी जांच करानी चाहिए, साथ ही टीबी अगर जब निकल आए तो उसका इलाज कैसे लेना चाहिए।